अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माई अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। यार उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। और आज थोड़ी सी यार तबीयत भी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, ठीक है। तो टाइम मोबाइल 9 बज चुके हैं, ठीक है। और आज मेरा है पेपर, है 4 पेपर मेरे हो चुके हैं, बाकी 3 पेपर मेरे जो है ना बचे हैं, ठीक है। तो आज मेरा पेपर है इवनिंग में है बायो का, ठीक है। तो अभी बायो की ना वैसे दो जो है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स दो थे ना वो बहुत ही लॉन्ग थे, लेंदी थे, बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। इतने कभी मैंने ना जो ना पेपर कभी लेंदी किया ही नहीं होगा, इतना बड़ा लेंदी था, ठीक है। बहुत ही लेंदी थे दोनों पेपर, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ज़्यादा था, केमिस्ट्री उससे भी ज़्यादा था, कल वाला जो पेपर है ना वो उससे भी ज़्यादा था, ठीक है। और इंग्लिश का था जो है ना, मतलब कि इंग्लिश का पेपर ऐसा था कि जो जिसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है। हर जगह पे हेडिंग्स ही हेडिंग्स थी, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर ठीक था, ठीक है, और वो करने में मज़ा भी आया, ठीक है। और फर्स्ट पेपर था पीएस का, ठीक है, मैंने इंग्लिश का बोल दिया था, वो मैंने सही से मार्कशीट जो है ना वो जो है स्लिप वो नहीं देखी थी, ठीक है। तो पहला पीएस का था, ठीक है। तो पीएस का भी लेंदी था, इतना नहीं था। उसके बाद इंग्लिश का था, इंग्लिश का इतना लेंदी नहीं था, मतलब कि मज़े से किया है, बहुत ही अच्छा पेपर था इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद था फिजिक्स, फिजिक्स की बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, इक्वेशन थी उसकी और थ्योरी बहुत ज़्यादा लेंदी थी उसकी, ठीक है। उसके बाद कल था मेरा जो है केमिस्ट्री का, मंडे संडे आ गया था उसमें छुट्टी, पेपर वाले एक दिन संडे आ गया था, फिर नेक्स्ट डे कल जो है केमिस्ट्री का पेपर दिया मैंने, केमिस्ट्री का भी बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। और आज बायो का है, बायो का देखते हैं कितना लेंदी होगा। और आज बायो का है पेपर मेरा एग्जाम। तो अभी मैंने थोड़ी देर हुई है नाश्ता करके भी ना बैठा हुआ, तो बुक्स रखी हुई थी यार बायो की, कुछ देख रहा था, कुछ याद हो जाए, कुछ दिमाग में बैठ जाए जहन में। और आज बायो का पेपर भी है मेरा, तो डेली बैठ बैठ कर यार थक जाता हूँ पढ़ पढ़ के यार। और अब जो है ना पढ़ा हुआ है मैंने, जो है ना पढ़ा हुआ है ये कल वाला पेपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कल वाले जो है ना। ये देखें सेक्शन बी के अटेम्प्ट ऑफ आल फॉलोइंग क्वेश्चन, आल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, ठीक है। तो इसमें जो है ना 7-8 करने हैं, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है। मज़े वाली बात ये हमारे पेपर में किसी में भी चॉइस नहीं आई, ठीक है। पता नहीं हमारे साथ क्या सीन है, हमें चॉइस मिली ही नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वाले पेपर में भी हमें जो है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि 7th तक 8th तक 9th तक होता है ना कि भाई 8 क्वेश्चन है जिसमें से आप 5 अटैम्प्ट कर लें, ठीक है, 5 कर लें, ठीक है, 6 कर लें, ठीक है, 1-2 छोड़ लें, ठीक है, चॉइस होती है। लेकिन हमारे 10 में तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई, इतने लेंदी क्वेश्चन है यार, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। इसमें 8 मिल जाते हैं हमें, ठीक है। सेक्शन बी माशाल्लाह है, और इसके भी सेक्शन बी के भी पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी माशाल्लाह, पार्ट सी भी है इसके, ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चन है सेक्शन सी के, ठीक है। तो इसके हैं 3, फर्स्ट के जो है 10 क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं, और जो ये है इसके 3 पार्ट है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना लेंथी ये पेपर, ठीक है, हमारा जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी पेपर था, तो क्या करें, करना पड़ता है भाई, ठीक है। इसके बाद जो ये पेपर है ना, बैक साइड पे उर्दू मीडियम जो होता है, ठीक है, मीडियम उर्दू, और इस साइड पे आई थिंक सिंधी है, ठीक है, सब जो है ना किया हुआ है, ग्लिच किया हुआ है, ठीक है। तो मज़े वाली बात ये है कि यार पेपर में ना वो है जो होती है सप्ली होती है, तो उसमें जो है ना इंक पेन यार ऐसे होता है कि इंक पेन कई बार यूज़ करने ना जो है ना पेन में इंक सारी जो है कॉपी होती है ना पेजेस वो सारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ख़राब हो जाए। तो आप कोशिश किया करेंगे यार जेल पेन यूज़ किया करें, या फिर बाल पेन तो यूज़ नहीं करना चाहिए, बोर्ड के पेपर में बाल पेन यूज़ ना ही करें तो अच्छी बात है, ठीक है, नंबर कम आते हैं, ठीक है, पहली बात ये है, ठीक है, क्लियर कर दूँ पहले ही, नंबर बॉल पेन से बहुत ज़्यादा कम आते हैं, ठीक है, बॉल पेन से जो है करना भी नहीं चाहिए जो है पेपर एग्जाम जो कि हाई लेवल के हैं, ठीक है, बोर्ड के वो तो करने ही नहीं चाहिए, ठीक है, 8th तक ठीक है, लेकिन 9th 10th मैट्रिक जो है फर्स्ट ईयर इंटर
बोर्ड के जो है ना उसमें हमें जो है बॉल पेन तो यूज करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इंक पेन यूज करें बेटर, इंक पेन जो है इंक पेन करना चाहिए अगर पेचिज अच्छे हों, ठीक है। बहुत से पेचिज ऐसे होते हैं कि जो है ना इंक जो है ना वो फैलने लग जाती है, तो मेरे साथ इतना ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट पेपर में मैंने इंक पेन यूज किया था और मेरे पास पेन कोई और है भी नहीं था, वो इंक फैल रही थी, ठीक है। तो सारा पेपर मैंने ना उसके साथ किया, इंक फैल रही थी बहुत ही अच्छे, मतलब कि ना मुश्किल तरीके से किया था लेकिन पेपर मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था, ठीक है। और इंक फैल रही थी, तो नेक्स्ट डे मैं जाते ही मैंने दो तीन अपने जो है ना ले लिए हैं जेल पेन ले लिए, ठीक है। दो तीन मैंने बोला अगर खत्म एक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट दूसरा तो है ना, तो तीन चार मैंने ना वो ले लिए थे जेल पेन, ठीक है। तो वो रख लिए और जेल पेन के साथ भी राइटिंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है। और इंक पेन ज़्यादा करके इंक पेन यूज़ करें, अगर इंक फैलती है तो फिर आप जेल पेन के साथ अपना पेपर करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। और पेपर आपको लोगों को दिखा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि वीडियो नहीं बनाता भाई, मोबाइल नहीं लेकर जाता यार वरना आप लोगों को मैं दिखाऊं कि पेपर कैसे करते हैं। मोबाइल अलाउ नहीं है भाई, सख्ती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोबाइल अलाउ नहीं है, वरना आप लोगों को मैं ज़रूर बना के दिखाता लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये था। और दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह मेरी पढ़ी हुई है बायो की, और बात ऐसी होती है कि यार जो हम पढ़ते हैं ना वो पेपर में आता नहीं है, पता नहीं क्यों यार हर बार ऐसे होता है। कुछ चीज़ें आती भी हैं और कुछ नहीं भी आती, बहुत सी चीज़ें आती भी हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो हम पढ़ते हैं हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमें आता ही नहीं है, नहीं भाई आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं आता, सब कुछ आता है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं मांग वही रहे होते हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से मांग रहे होते हैं ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, कुछ तरीका ऐसा होता है जो हमें समझ नहीं आता लेकिन मांग वही रहे होते हैं। और कुछ चेंजेस भी होती हैं, जाहिर बात नहीं है जो पढ़ाया हो वो ही आए, कुछ चेंजेस भी होती हैं। तो ये पढ़ा हुआ ये बायो के में एस कहाँ से आ गया है पता नहीं कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो ये मेरी बायो की कॉपी है, ठीक है। ये सारा जो है डायग्राम सब कुछ बनाया हुआ है मैंने, ये डायग्राम मेरी देखें भाई देखें, दो दो घंटे लगाकर बनाई है। कॉपी मेरी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, खुद की तारीफ खुद ही कर रहा हूँ आप भी बोल रहे होंगे खुद की तारीफ ये खुद कर रहा है। तो आप लोग करें ना करें, तो मैंने सोचा मैं अकेले खुद ही कर देता हूँ अपनी तारीफ। तो ये भाई कान, ठीक है। ये सारी पीरी टीम में यही काम करते हैं, नसों ब्रेन चेक्स हो रही है, ठीक है, ब्रेन, ठीक है, पंपिंग, ये सारी भरी हुई है जड़ी बूटियां। हाँ ये सारा काम किया है, इतना सारा काम किया है। ये देखें भाई साहब, यहाँ तक ने जो है ना कॉपी फुल की हुई है भाई। ये बायो ही बायो, बायो 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 बंद हो जा। अब थोड़ा सा यार स्टार्टिंग में जो सीन ऐसा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवाइज कर लें पेपर में, खास तौर पे स्टार्टिंग और एंडिंग इन दोनों में ना फोकस रखना चाहिए, इन दोनों में जो चीज़ें आ सकती हैं बाकी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने कल भी थोड़ा सा रात को रिवाइज किया था और अभी मैं थोड़ा सा कर लूँगा, जो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो हमें दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर बंदा आसानी से अपने लफ्ज़ों में भी जो है ना इसे हम आराम से जो है ना लिख सकते हैं, अपने पेपर में लिख सकते हैं। यार टाइम हो चुका है अपना 12:30 जो है ना हम बज चुके हैं, ठीक है। और 1.5 घंटा मुझे हुआ है बैठा हुआ इधर, ठीक है। तो नींद भी आने लग गई है लेकिन पेपर का भी टाइम हो चुका है, 2 बजे मेरा जो पेपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब 1.5 घंटा और पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा और रिवाइज करूँगा, उसके बाद जो है ना वो मतलब कि 1 बजे मैं घर से चला जाऊंगा, ठीक है, पेपर देने के लिए, ठीक है। तो अपनी सिटी में जो है ना मेरा बड़ा सा है,
कॉलेज, वहाँ पेपर होते हैं मेरे, तो अब वहाँ चला जाऊँगा फिर 1 बजे, फिर जाकर 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा मेरा। तो अब जो है ना थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ, थोड़ा सा लेट जाऊँ, ठीक है। तो फिर अब थोड़ा नहाना है, नहाने के बाद फिर पेपर देने जाना है, ठीक है। पेपर फिर कैसा होगा, क्या होगा, ये सब मैं आप लोगों को आकर बताऊंगा, ठीक है, कि पेपर मेरा कैसा हुआ है। और उम्मीद है अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आप लोग भी यार दुआएं कीजिएगा। और आप लोग कैसे दुआएं करेंगे, वीडियो तो मैं आकर अपलोड करूँगा पेपर करके। तो खैर अल्लाह है साथ, तो चलता हूँ और थोड़ी देर तक मैं घर से निकल जाऊँगा, फिर आकर आप लोगों से मिलता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा पेपर कैसे हुआ है, कैसा हुआ है। सो गाइज, अभी यार मैं पेपर देकर ना जो आया हूँ, टाइम हो चुका है जो है ना 7 बजने वाले हैं, ठीक है। 7 बजने 10 मिनट हैं और मैं आया था फील्ड पे, और आज जो है ना पानी लगना था कपास को, तो अभी काम था थोड़ा सा जो मैं आ गया फील्ड में चक्कर लगाने के लिए। और पेपर जो है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है। पेपर आज का पेपर जितना मैंने इजी समझा था उतना जो है ना लेंथी था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लेंथी पेपर था, 2 सप्ली अटैच हुई है, एक कॉपी अलग से, ठीक है। बहुत बड़ा पेपर था तो अलहमदिल्ला कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। करने के बाद सीधा कर रहा है घर आकर, पानी वानी पिया, ठीक है। और अब थोड़ा रेस्ट किया, अब आया हूँ मैं फील्ड पे। तो तू भी शाम, तो अब जाएंगे सीधा घर पे, घर पे फिर जाकर फिर सुबह मैथ का पेपर है। मैथ का पेपर, मैथ में हम वैसे ही माशाल्लाह 100 में से 100 हैं, समझ तो गए होंगे आप। तो अब अपने व्लॉग करते हैं ख़त्म, और फिर एडिट भी करना होता है यार। फिर मुझे जैसे लग रहा है ये कल को अपलोड कर पाऊँगा मैं, तो अब का व्लॉग करते हैं हम, एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा से लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।